आज हम आपके लिए लाए हैं चौक से गेसो बनाने की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है ये सारी चौक है, जिसको हम एक इस कट्टे या थैले के अंदर डाल देंगे। ये सारे डब्बे इसमें खाली कर दीजिए। खाली करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पैक कर देंगे, इसे टाइट बंद कर देंगे ताकि चौके बाहर ना निकले। बंद करके अच्छा सा इस पर हमने इस पर घिठान लगा दी ताकि चौके बाहर ना निकले। घिठान लगाने के बाद जैसा आप देखते हैं, हम अभी इसको थोड़ा सा मारेंगे बेट से ताकि चौक का चूरा हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें जोर जोर से इसको मारना है ताकि चौकों का बूरा हो जाए। इसे जोर से मारना है, इसको बूरा हो जाएगा क्योंकि हम बूरे की हम लोग को बहुत ज़रूरत है। बूरे से ही हम जैसे बनाएंगे टेक्सचर के लिए हमें बूरा बनना पड़ेगा। हम थोड़ा इसको मारेंगे। मारने के बाद हमने चौके साथ निकाल लिए, कुछ बड़े बड़े दाने ले गए तो हमने इस छन्नी से छाना है तो पाउडर पाउडर नीचे आ गया। ऊपर ये बड़े बड़े दाने ले गए इसलिए आप छन्नी से एक बार छान लीजिएगा। ये रहे हमारे डब्बे, पाउडर बन गया एकदम अच्छा वाला बारीक पाउडर। पाउडर बनाने के बाद जो भी आपके पास चौकी बची है उसका सारा ऐसे पाउडर निकाल लीजिए। पाउडर जो है सब निकालने के बाद ये बची हुई चौकों को आप एक बार और छोड़ के सारा कुछ निकाल लीजिएगा। तो अब हम जैसे कि डिब्बे में हमने पाउडर भर लिया, हम बहुत अच्छी हो गया खाली डिब्बा। ये हमारे पास खाली डिब्बा आ गया, इसके ऊपर एक कपड़ा लगा दीजिएगा। ये हमने कपड़ा लगा दिया है। एक कपड़ा लगाने के बाद वो थोड़ा बहुत इसको एकदम टाइट बांध लीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा बूरा डालेंगे। अब डालने के बाद हम इसको थोड़ा घिसेंगे। आप कोई टूल से घिस सकते हैं, हमारे पास टूल उपलब्ध नहीं है तो हम हाथ से घिस रहे हैं। इससे क्या होगा, घिसने से बारीक पाउडर जो होगा वो नीचे से आ जाएगा। हम ये बड़ा वाला पाउडर ऊपर रहेगा, बारीक नीचे से आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से घिस दीजिएगा। और अगर छोटा ना हो तो इस छन्नी से आप एक बार कपड़े के ऊपर छन्नी लगा के उसको घिस दीजिएगा, ठीक है। तो उसे थोड़ा बारीक हो जाएंगे। तो अब आप देखना कितना बारीक होता है। एक बार छन्नी से घिसने के बाद देखिए एकदम बिल्कुल बारीक हो चुका है, एकदम बारीक हो चुका है, एकदम बारीक हो चुका है। देखिए कितना अच्छा है, एकदम बारीक हो चुका है एकदम। अब उसको एक छोटे से में निकाल लीजिएगा जितना आपको लगाना है, जितना आपको गैसों की जरूरत है उतना है उसमें निकाल के तो उस अनुसार फेविकोल डाल लीजिए, जितना आपके पास होगा उतना फेविकोल अच्छे से मिक्स कीजिए। और फिर उसमें थोड़ा पानी डालिए, इसके साथ थोड़ा पानी डालिए। और फिर एक बार और अच्छे से वो मिक्स कीजिए। पानी डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर देखना वो एकदम गीला गीला हो जाएगा तो आप उसको कार्डबोर्ड या कैनवास पे लगा सकते हैं। तो देखिए हम मिक्स होकर, अभी हमारे पास कैनवास अवेलेबल नहीं है तो हम थोड़ा कार्डबोर्ड पर आपको लगा के बता रहे हैं। हम आपको कार्डबोर्ड पर लगा के बता रहे हैं, हमारे पास कैनवास नहीं इसलिए सॉरी दोस्तों, हम अभी आपको कार्डबोर्ड पर लगा के बता रहे हैं। तो ये देखिए